कोरोना संकट के बीच बीते हुए महीनों के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में साइबर फ्रॉड संबंधी मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। बीते कुछ महीनों में साइबर फ्रॉड संबंधी मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल से कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन लेन देन में वृद्धि आई है, लिहाजा बैंक अकाउंट में सेंध लगाने वाले अपराधों में भी बढ़त हुई है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर हम अपने अकाउंट को सुरक्षित कैसे रखें, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रोकना या कम करना कोई समाधान नहीं हो सकता। ऐसे में हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी जिससे हम ऐसे किसी भी फ्रॉड से खुद को और अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि धोखेबाज कैसे आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। धोखेबाज लोग बैंक कर्मचारी या मैनेजर बनकर मासूम लोगों से संपर्क करते हैं और अनजान आईडी या मोबाइल नंबर से उन्हें संदिग्ध संदेश लिंक भेजकर उन्हें नो योर कस्टमर केवाईसी पूरा अपडेट करने को कहते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि यदि ऐसा ना किया गया तो उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। इन संदेशों में ग्राहकों से कहा जाता है कि वो एक खास नंबर पर कॉल करें या लिंक पर क्लिक करें। जब ग्राहक इस लिंक पर क्लिक कर देता है या अपनी गोपनीय सूचना शेयर एंटर कर देता है तो धोखेबाज तत्काल ग्राहक के अकाउंट तक पहुंच हासिल कर लेता है, जिसका परिणाम ग्राहक अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई गवा बैठता है। धोखाधड़ी करने वाले ऐसा पेज या वेबसाइट भी बना लेते हैं जो बैंक के आधिकारिक वेबसाइट जैसा होता है। ध्यान से ना देखें तो असली और नकली के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। केवाईसी संबंधी गोपनीयता बनाए रखें। ईएमआई स्थगन और यूपीआई संबंधी कॉल्स से सावधान रहें। याद रखें, यदि कोई आपसे आपका केवाईसी संबंधी जानकारी के लिए कॉल करता है और कहे कि आप अपने केवाईसी को शेयर करें, आप हमें अपनी ये डिटेल शेयर करें, हम यहां से आपका केवाईसी एक्टिवेट कर देते हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसी कॉल बहुत से लोगों के अकाउंट को खाली कर चुकी है। कोई भी बैंक और कर्मचारी गोपनीयता से जुड़ी जानकारी नहीं मांगते। पिन का डिटेल सीआरएन जैसी जानकारी शेयर करने से बचें। अपने CRN, पासवर्ड, कार्ड विवरण, CVV, OTP, ATM पिन, UPI पिन, मोबाइल बैंकिंग पिन जैसी संवेदनशील जानकारियों को किसी के साथ साझा ना करें। डिस्काउंट ऑफर, बैंक से जुड़े और आपके अकाउंट से जुड़े किसी भी तरह के लिंक को क्लिक करने से बचें। केवल विश्वसनीय स्रोतों से आए लिंक पर ही क्लिक करें। यदि आपको किसी अनजान व्यक्ति से कोई ईमेल या टेक्स्ट मैसेज आए जिसमें किसी संदिग्ध लिंक पर आपसे क्लिक करने को कहा जाए, तो सावधान हो जाएं और उस संदेश को तुरंत डिलीट कर दें। किसी भी प्रकार की धमकी पर प्रतिक्रिया ना दें या फिर लॉटरी लगने जैसे संदेशों से ना ललचाएं। याद रखें, बैंक कभी ऐसे संदेश नहीं भेजता। स्क्रीन शेयरिंग करने जैसी गतिविधि से बचें। अपने मन में अकाउंट, बैंक अकाउंट जैसी हर गतिविधि को संदेह की दृष्टि से देखने की आदत डालें, जिससे किसी भी अनजान आईडी पर क्लिक करने से बचा जा सके। आपके पास जो भी आईडी से मेल आता है, आप उसे तुरंत पहचान सकें कि ये आपके लिए आवश्यक है या फिर किसी जालसाज ने आपके लिए जाल बिछाया है। स्क्रीन शेयरिंग ऐप जैसे एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि के डाउनलोड करने से परहेज करें, क्योंकि इनके जरिए धोखाधड़ी करने वाले उपकरण को काबू में कर लेते हैं। आपकी गोपनीय बैंकिंग जानकारी हासिल करके आपकी जानकारी के बगैर आपके बैंक खाते और धन तक पहुंच जाते हैं। SMS सुविधा एक्टिवेट करें। UPI से पैसे प्राप्त करने के लिए QR कोड स्कैन करने या पिन OTP एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर तुरंत अपडेट पाने के लिए अपने SMS और ईमेल सुविधा को एक्टिवेट करें। ट्रांजैक्शन संबंधी संदेशों और पॉपअप को बारीकी से जांचें। बैंक में करंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखें। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को बैंक के पास अपडेट रखें। यदि आपका कोई एड्रेस या मोबाइल नंबर चेंज हुआ है तो तुरंत बैंक से कॉन्टैक्ट करें, अपनी डिटेल्स अपडेट कराएं। बैंक से संपर्क की जानकारी के लिए हमेशा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट ही विजिट करें। इसी तरह जब भी ई-कॉमर्स या किसी सेवा प्रदाता के नंबर ऑनलाइन तलाश रहे हों तो सतर्क रहें। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नंबर प्राप्त करें। एप्स, वेबसाइट या लैपटॉप में समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें। आपके लैपटॉप मोबाइल निर्माता द्वारा नियमित तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किए जाते हैं, उन्हें अपडेट जरूर करें ताकि आपका उपकरण सुरक्षित रहे। इसके अलावा अपने सिस्टम में एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके धोखेबाजों से बचें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।